सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, आयोजन करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर बोले पीएम मोदी, कहा कभी नहीं भूल सकते शहीदों का सर्वोच्च बलिदान। कांग्रेस लेफ्ट त्रिपुरा को बर्बाद कर देंगे पूर्ण बहुमत वाली सरकार। मोदी की नेहरू सरनेम वाले बयान पर राहुल का पलटवार, कांग्रेस सांसद बोले पीएम को नहीं पता कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं। शरद पवार ने फडणवीस पर किया वार, बोले फडणवीस एक सुलझे हुए नेता हैं। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रीमो को चेस्ट पेन अस्पताल में एडमिट कराया गया, ईसीजी रिपोर्ट में गड़बड़ी मिली। पंजाब में गवर्नर सीएम आमने सामने, शिक्षकों को विदेश भेजने पर राज्यपाल से पूछे सवाल। ममता बनर्जी का विवादित बयान, बोले बीएसएफ ने बंगाल के बॉर्डर एरिया में आतंक फैला रखा है। जज नजीर को गवर्नर बनाए जाने पर भड़की महुआ मोहित्रा, बोली माय लॉर्ड अपने स्वीकार कैसे किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, बोले शरद पवार की सहमति से अजीत पवार ने मेरे साथ बनाई थी सरकार। सीएम ममता बनर्जी का दावा, बोली मेरे परिवार के दो सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी बीजेपी। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का विवादित बयान, बोले आतंक से मुकाबले के लिए सेना में भर्ती करो 30% मुसलमान। अरशद मदनी पर बरसे गिरिराज सिंह, बोले जिन्ना की सोच वालों को बंटवारे के समय ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, महबूबा बोली हमें फैसले से कोई लेना देना नहीं। शिंदे की बगावत पर बोले अजीत पवार, गद्दारों ने रोके एमवीए के काम, अब सबक सिखाने का समय। धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ, सिर झुकाया हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। किन्नौर से सीधा दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता बोले वाराणसी में फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा जनता को लूटने की तरकीबों को खोजने में 6 साल लगा दिए। राष्ट्रपति ने किया बाबा विश्वनाथ का अभिषेक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 60 मिनट तक की गंगा आरती। पीलीभीत पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव बीरपाल सिंह यादव का स्वागत, कहा देश में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो।
मंच पर कुर्सी से हटाने पर भड़के भाजपा विधायक, बोले मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, मंत्री सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद थे मौजूद। अरशद मदी के बयान से बचते हुए नजर आए भूपेंद्र चौधरी, बोले इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती है, इसमें लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं। मौलाना मदनी के बयान पर भड़के स्वामी जितेंद्रानंद, बोले इतिहास ठीक से पढ़ने की जरूरत। आरएसएस का दूसरा सबसे बड़ा गढ़ बनेगा अयोध्या, संघ 100 एकड़ में बनाना चाहता है मुख्यालय, नव अयोध्या में जमीन मांगी। अब्दुल्ला की लगातार दूसरी बार जाएगी विधायकी, आजम खान के घर में अब कोई नहीं बचेगा जनप्रतिनिधि। आजम खान और अब्दुल्ला को दो दो साल की सजा, 2008 में सड़क जाम करने का है मामला, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर रही विकास, मोहित बेनीवाल बोले यूपी में गुंडे माफिया अपराध करने की नहीं सोच सकते। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी जिंदा जले, गांव वालों ने अफसरों को खदेड़ा। एसआर कॉलेज में बेटी की हुई हत्या, लखनऊ में पिता ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से राय लेकर किया दावा। चिटफंड कंपनियों में 1800 करोड़ डूबे, इनमें सहारा इंडिया भी शामिल, मिलने की उम्मीद पर लोगों ने कराई अप्लाई। फिल्म पुष्पा की तरह कानपुर में चंदन तस्करी, दूध के कंटेनर में 50 लाख की लकड़ी एमपी से लाए थे। मथुरा में लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या, घर से 500 मीटर दूर युवक की हत्या। गोरखपुर में पुलिस को गांव वालों ने भगाया, गैंगस्टर को पकड़ने गई थी, आरोपी बोला जहर खाकर मर जाऊंगा। ट्रकों को चेकिंग से बचाने वालों को एसटीएफ ने पकड़ा, मर्सिडीज से हाईवे पर घूम कर देते थे आरटीओ की लोकेशन। बिजनौर में आग लगने से 35 बीघा गन्ना जला, दमकल विभाग ने घंटों बाद आग बुझाई। मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में लगी गोली, नोएडा में पुलिस पर फायर कर भाग रहा था बदमाश। बंद पड़े नलकूप के बोरिंग के पाइप में गिरा किशोर, नशा करने के लिए छिपा था। बच्चे को स्कूल में बंद कर घर चले गए टीचर, गोरखपुर में क्लास में सो गया था स्टूडेंट, पुलिस ने 5 घंटे बाद निकाला बाहर। बहराइच में 2 महीने बाद तेंदुआ पिंजरे में कैद, 2 मासूमों समेत कई जानवरों को बना चुका है निवाला। हापुड़ में हत्या के दोषी पति को उम्र कैद, 7000 का जुर्माना लगा, 8 साल पहले दहेज को लेकर पत्नी को जलाकर मारा था।
मथुरा में होली को लेकर डीएम एसएसपी ने की बैठक, बरसाना और नंदगांव में किया निरीक्षण। गाजीपुर में फोन रिसीव ना करने वालों को एई पर गिरी गाज, डीएम ने वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा। उन्नाव में सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत, बाइक से जा रहे थे ससुराल। मऊ में आजाद समाज पार्टी का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पिता पुत्र पर हमला मामले में तीन भाइयों समेत चार दोषी, चित्रकूट में कोर्ट ने चार साल कैद और 10,500 जुर्माने की सुनाई सजा। उत्तराखंड की सीएम धामी ने किया साफ, कहा 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में लागू नहीं होगा नकल रोधी कानून। उत्तराखंड में 1357 गांवों में नियमित पुलिस व्यवस्था शुरू, सीएम धामी ने किया 6 नए थानों और 20 चौकियों का शुभारंभ। उत्तराखंड में एनएसयूआई के दो गुटों में जमकर मारपीट, मुख्यालय के भीतर भीड़े, फिर सड़क पर ही चले लात घूंसे। उत्तराखंड में सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हो रहे हाईटेक, मदरसों की जांच को गठित समिति जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस ने पत्थरबाजों के फोटो किए सार्वजनिक, बॉबी व अन्य आरोपियों की जमानत पर फैसला जल्द। उत्तराखंड में बॉबी पवार की रिहाई को लेकर नौगांव में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, दी आत्महत्या की चेतावनी। पेपर लीक मामले में धारा 144 के उल्लंघन में 64 युवाओं पर मुकदमा, बिना अनुमति धरना देने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के दारमा घाटी में कैमरे में कैद हुआ हिम तेंदुआ, कई दुर्लभ वन्य जीव भी आए नजर। उत्तराखंड में 5691 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर ब्रेक, केंद्र सरकार ने लगाई रोक। उत्तराखंड में बारिश से सिंहधार में रास्ते का पुस्ता टूटा, खेतों की दरारें बढ़ी। जेल में कैदी और सिपाही ने बंदी को पीटा, रसोई घर में ड्यूटी से इनकार करने पर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में 13 वर्ष के बच्चे की मौत, दो दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत। उत्तराखंड में बौखलाया पति साथियों को लेकर ससुराल पहुंचा, पत्नी को बुरी तरह पीटा। तीन साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे एक्टर नसीरुद्दीन शाह, दोहराए नाटक के संवाद। दामाद ने सास को उतारा मौत के घाट, लाश के पास ही बैठा रहा कुछ देर, फिर खुद ही किया पुलिस को फोन। एलटीटीई चीफ प्रभाकरण के जिंदा होने का दावा मजाक, श्रीलंका ने कहा वो 2009 में मारा गया था।
यूक्रेन में नया रूसी आक्रमण, तोपखाने की आग में झुलस रहा पूर्वी शहर बखमुत। व्हाइट हाउस ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा था उच्च ऊंचाई वाला गुब्बारा। किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी क्वीन कैमिला दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव, 3 वैक्सीन के बाद भी संक्रमित। मध्य अफ्रीकी देशों में फैल रहा मारबर्ग वायरस, वायरस से 9 की मौत। इमरान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को सराहा, पाक के पूर्व पीएम बोले पुतिन हमें भी सस्ता तेल देने को तैयार। जंग से बदहाल यूक्रेन, आईएमएफ से लोन मांगेगा सरकार, का वित्तीय घाटा 3 लाख करोड़ पार करेगा। सीरिया में 36,000 से ज्यादा मौतें, यूएन ने कहा सीरिया की मदद करने में दुनिया नाकामयाब। न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रोवियल के बाद इमरजेंसी लगी, 509 फ्लाइट कैंसिल। नेपाल में परिवहन कर्मियों की पुलिस से झड़प, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। यामाहा ने अपनी 6 बाइक को किया अपडेट, ट्रैक्शन कंट्रोल और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर मिले। ₹2023 ऑडी Q3 स्पोर्ट्स बैक भारत में लॉन्च, 7.3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है कार। तीन महीने के हाई पर पहुंची रिटेल महंगाई, जनवरी महीने में बढ़कर 6.52% हुई, खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से बढ़ी महंगाई। अडानी मामले में वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा सेबी समूह ने, आधा किया राजस्व वृद्धि का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 14 करोड़ रुपए का सोना जब्त, तो बांग्लादेश से हो रही थी तस्करी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एनएसई प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को दी गई जमानत को खारिज करने से किया इनकार। एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का पायलट प्रोजेक्ट, बगैर मोबाइल नेटवर्क के किया जा रहा ट्रांजैक्शन। अडानी समूह के स्टॉक्स में फिर भारी गिरावट, 10 कंपनियों में से 6 में लगा लोअर सर्किट। रेनो निसान 5,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और 4 एसयूवी मार्केट में उतारने की तैयारी। मॉरिशन के वित्तीय सेवा कमीशन का बयान, कहा अडानी ग्रुप की कंपनियों ने नहीं किया कोई कानून का उल्लंघन। धर्मशाला में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने का असर, क्रिकेट प्रेमी निराश, इकोनॉमी भी हुई प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया पर पूर्व अंग्रेज कप्तान माइकल वॉन ने साधा निशाना, बोले कैमरन ग्रीन हैरी पॉटर या सुपरमैन नहीं है।
आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगा झटका, जसप्रीत बुमराह की तरह चोटिल हुए काइल जेमिसन। पीएसएल 2023 के रोमांचक मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को मिली एक रन से जीत। पीएसएल मैच के दौरान स्टेडियम के फ्लड लाइट्स में लगी आग, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। WPL ऑक्शन में मंधाना सबसे महंगी, 87 खिलाड़ियों पर लगी 69.5 करोड़ की बोली। शुभमन गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने, वनडे में डबल सेंचुरी लगाई, T20 में शतक जमाया। ओयन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, 2019 में इंग्लैंड को जिताया था वर्ल्ड कप। भारत पाक के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया, मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से मिले प्लेयर्स। टॉक के सवाल पर भड़के उमर अकमल, रिपोर्टर्स से बोले पर्सनल लाइफ से जुड़े इस तरह के सवाल ना करें। द एलिफेंट 5 सालों में हुई शूट, डायरेक्टर ने 1 साल तक बेबी एलिफेंट से दोस्ती की। एक अग्निहोत्री पर KRK ने कसा तंज, बोले गिरते हैं सब सवार ही मैदान ए जंग में। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का टीजर रिलीज, पठान से दिल की बात करती नजर आई पूजा। साड़ी में दिखी अमिताभ बच्चन की नाती नव्या, मांस्वेता के साथ आई नजर। फराह खान ने बिग बॉस 16 को दी पार्टी, जस्ट में नजर आए अंकित, टीना और गौतम। शाहरुख की जवान में होगी अल्लू अर्जुन की एंट्री, कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। आदिल के वकील ने राखी सावंत पर किया पलटवार, बोले राखी इतनी कमजोर नहीं कि कोई मार दे और वो एक शब्द ना बोले। अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ के साथ खेला वॉलीबॉल, इमोशनल नोट शेयर कर बोले 50 की उम्र में मुझे चैलेंज करने के लिए शुक्रिया। जवान की शूटिंग के लिए चेन्नई पहुंचे शाहरुख खान, नयनतारा के घर के बाहर हुए स्पॉट। शहनाज गिल ने पिंक साड़ी में कराया फोटोशूट, कैमरे के सामने दिए बेहतरीन पोज। अभी के लिए प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।